उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के यहाँ पर विभिन्न जेलों में बंद 175 कैदियों की रिहाई के लिए यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया और आदेश मिलने के बाद हरिद्वार जेल से भी यहाँ पर बता दें 63 कैदियों की रिहाई की गई है। ये सब कैदी अलग अलग मामलों में यहाँ पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे और जेल रिहा हुए यहाँ पर कैदियों ने सजा माफी पर भावुक को दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर इनके साथी कैदियों की यहाँ पर खुशियों का भी ठिकाना ना रहा। अपने साथी कैदियों की यहाँ पर रिहाई की खुशी में यहाँ पर जेल में बंद कैदियों ने जमकर डांस किया और वहीं रिहा हुए कैदियों ने यहाँ पर अपनी गलतियों पर पछतावा दिखाते हुए नए सिरे से फिर से जीवन की शुरुआत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अन्य लोगों से भी यहाँ पर अपील की है कि बुराई के रास्ते पर चलने का अंजाम बुरा होता है, इसलिए यहाँ पर जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हमेशा ही सही मार्ग पर चलें। नया जीवन मिला हमको 22 साल के बाद। पहला जन्म तो जाने अनजाने में कैसे हुआ होगा, लेकिन ये हमको नया जीवन मिला है और इसको नया जीवन प्रदान करने में हमारी सबसे भूमिका रही है हमारे साहब की, जिन्होंने हम लोगों के रास्ता दिखाया और इस पर चलने का हमें प्रेरणा दी। अन्य हम जाने के अंधेरे में भटक रहे थे 22 साल से। मैं उत्तराखंड कारागार हरिद्वार में और भाइयों, मेरे छूटने वाले भाइयों, सभी भाइयों का हमें अधीक्षक साहब का बहुत बड़ा अभिनंदन स्वागत करते हैं और बहुत इनके एहसानमंद हैं हम। कितने साल हो गए थे यहाँ सर? मुझे 19 साल 8 महीने हो गए सर। यहाँ अब कैसा लग रहा है आप यहाँ से रिहा होने जा रहे हैं? सर रिहा हो रहा सर ये है कि अपने जाके अपने बच्चों पे जरा सर हिल मिल जाएंगे सर, और हम ये सोचते हैं सब भाइयों से मेरे ये हाथ जोड़ के विनती है अपनी शांति जिंदगी जिए। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा बंदियों की जो है समय पूर्व मुक्ति हेतु नीति बनाई गई है, उसी नीति के तहत जो है इस कारागार के भी जो पात्र बंदी हैं वो आज इस कारागार से मुक्त हो रहे हैं। स्पेशली जिन लोगों ने 16 वर्ष से अधिक की सजा इस कारागार में भुगत ली है, वैसे सिद्धे दोष बंदी आज कारागार से रिहा हो रहे हैं और रिहा होने वाले कुल बंदियों की संख्या 63 है।